सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इन टिप्स को ध्यान से सुनना फॉर्म को फिल करने से पहले, क्योंकि शायद ये आपकी कोई गलती होने से बचा रहे। तो क्या होगा, 30% स्टूडेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं, वो ये है कि फॉर्म को बहुत ज्यादा जल्दबाजी से फिल करना। ऐसा नहीं है, आपको एक महीने का इनफ टाइम ड्यूरेशन दी गई है, तो आप सारी डिटेल्स को ध्यान से फिल कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड कीजिए। अगर आप किसी साइबर कैफे पे जा रहे हैं या किसी बड़े से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो भी ध्यान दीजिए कि सारी स्पेलिंग्स ठीक हैं और कोई भी चीज में गड़बड़ तो नहीं हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, नंबर वन पॉइंट इसमें रहेगा ईमेल आईडी। ड्यू में आपकी जो 3 साल की जर्नी होने वाली है या फिर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो आपकी जो 5 साल की जर्नी होने वाली है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि उसी पे आपके ड्यू की तरफ से सारी की सारी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो आप इस ईमेल आईडी को बहुत ध्यान से फिल करोगे। अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहन की ईमेल मत फिल करना, वरना आप परेशान हो जाओगे। अपनी ईमेल आईडी फिल करना जिसका आपको आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें पता हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी डिटेल्स को फिल करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ चीजें होती हैं जो कि बाद में एडिट हो जाती हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो कि बाद में एडिट नहीं होती। स्पेशली कैटेगरी, अगर आपके सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं तो आप, जैसे आपने बनवाए होंगे तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आई होगी, तो आप अभी उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अपलोड कर सकते हैं और जब बाद में एडिट के लिए पोर्टल खुलेगा तब आप उन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि तब तक वो आ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बोर्ड का रोल नंबर फिल करते हुए और कुछ इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स होती है वो फिल करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली 40% स्टूडेंट्स दो बार फॉर्म फिल करते हैं क्योंकि पहली बार उनकी गलती हो जाती है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये ड्यूम ने भी स्पेशली इन चीजों को मना किया हुआ है कि एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म फिल करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप दो फॉर्म फिल कर दो तो आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाए, बट हाँ आप अवॉइड कीजिएगा कि आपको दो फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़े। तो एक फॉर्म फिल करो, बहुत ध्यान से फिल करो, और आपको हर एक कोर्स के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए अलग, मेरिट बेसिस के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। वो एक ही फॉर्म रहेगा जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा एंट्रेंस देना है और कौन कौन से मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत बहुत सारी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी है जो कि डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ असिस्ट नहीं करती। जी हाँ, जबकि ड्यू के हर एक चीज में ये लिखा हुआ होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ असिस्ट करके ही अपलोड करने हैं। इसका मतलब क्या है कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन करोगे, ऑब्वियसली आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके अपलोड नहीं करने वाले, तो आप क्या करोगे, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट निकालोगे, उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर करोगे, देन उसे स्कैन करके अपलोड करोगे। इस चीज को लेके लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, तो आई होप सो कि आपने ये वीडियो देखी है यहां तक, तो इस बार आपको ये क्वेरी नहीं आएगी। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, अगर जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं बट आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप जस्ट रिजल्ट अवेटेड डाल देना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।